देखो भाई, मेंसुरेशन आज मैं बता रहा हूँ आपको कि क्लास टेंथ के लिए जो आपका क्लास टेंथ में 12th चैप्टर है, ठीक है, वो है आपका मेंसुरेशन 2D। अब वैसे तो मेंसुरेशन में त्रिभुज, चतुर्भुज, सारी सब कुछ आते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ सर्किल के बारे में, ठीक है। वृत्त, वृत्त तो वृत्त से पढ़ने से पहले वृत्त के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वृत्त क्या होता है। वृत्त यानी कि सर्किल, ठीक है। तो वृत्त क्या होता है, ये हमारा एक सर्किल बना हुआ है, इसमें ये सेंटर हो गया आपका केंद्र O, ठीक है, और सेंटर से जो परिधि तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं अपन त्रिज्या R। R बराबर त्रिज्या, इंग्लिश में इसे बोलते हैं रेडियस, ठीक है। और जो आपकी पूरी परिधि तक की दूरी होती है जो सेंटर से पास होके जाती है, उसको बोलते हैं अपन डी, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर यानी कि व्यास। अब देखो वृत्त में ये तो हमारा हो गया कि ये त्रिज्या होती है, ये व्यास होता है, डायमीटर होता है, ये आपकी परिधि होती है, ये पूरी है, ये होती है आपकी परिधि, पूरा एक चक्कर है, ठीक है, ये क्या होता है परिधि। अब देखो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। परिधि का फॉर्मूला होता है आपका 2πr। परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, ठीक है। और जो आपका क्षेत्रफल होता है इसका, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया, इसका फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। परिधि का होता है 2πr और इसका होता है πr², ये वृत्त के बारे में बात हो गई। इसको अपन देखो क्या होता है ना, ये जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या वो क्या होता है, व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है, ठीक है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, आर बराबर क्या लिख सकते हैं, D/2, यानी कि व्यास का आधा, या फिर इसी से अपन एक और रिजल्ट निकाले तो डी बराबर क्या हो जाता है, 2R, इसे इधर ले जाएंगे, यानी कि जो 2R है उसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, डी रख सकते हैं, यानी कि व्यास रख सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, π (a2) को पीछे ले जाते हैं 2R, और 2R मैंने बताया क्या होता है, डी, तो πd, यानी कि परिधि का एक फॉर्मूला और निकल के आता है जो कि होता है आपका πd। और जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो मैंने देखो मैंने बताई दिया, πr² होता है, ठीक है। ये तो हो गई वृत्त के बारे में बात। अब देखो थोड़ा सा, देखो भाई अब बात करते हैं, ये तो अब मैंने बताया था वृत्त के बारे में, अब बताता हूं मैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं अपन सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, ठीक है। तो अर्धवृत्त में क्या होता है, अर्धवृत्त में बता के आधा बना के बता देता हूँ। ये हो गया भाई आपका अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ से, ये क्या हो गया त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है यहाँ से लेके, ठीक है। और अगर मैं अर्धवृत्त की परिधि की बात करूँ, अर्धवृत्त की परिधि, तो देखो परिधि क्या होती है इसकी, πr+2r, ये याद रखना, ठीक है ना, ये अर्धवृत्त की परिधि हो गई। और अगर मैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की बात करूँ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो ये हो जाता है आपका क्षेत्रफल का आधा हो जाता है πr² / 2। देखो ये परिधि होती है πr+2r क्यों होती है, देखो मैं बताऊँ तुम्हें, ये हो गया हमारा सर्किल, सर्किल की पूरी परिधि होती है 2πr, लेकिन जो परिधि या परमाप एक चीज होती है, क्या होता है, तो पूरा जितना दिख रहा है ना वो पूरा योग होता है उसका। अगर मैं इसकी बात करूँ देखो ए, तो अभी हमको कितना दिख रहा है, ये 2πr पूरा था, तो πr ये ऊपर ऊपर का बचा, और ये क्या होता है, ये r और ए r, तो ये कितनी हो गई 2r, इसलिए अपन इसको बोलते हैं πr+2r। तो ये हो गई आपकी परिधि। अब देखो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो अब इसके बारे में और बात करूं मैं आगे कि ये तो हो गया अर्धवृत्त हो गया तुम्हारा। अब देखो और मैं बताता हूँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये इसमें ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सबसे ज्यादा यूज होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैं बताता हूँ। देखो भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका ये सर्किल है, ठीक है, तो वो ये सेंटर है, अगर मैंने त्रिज्या से इसको काट दिया, ये भी त्रिज्या आपको पता ही है, ये भी त्रिज्या है आर, अगर मैंने काट दिया मान लो ये 60 डिग्री से काट दिया, ठीक है, 60 डिग्री का, तो अगर मैं बात करूँ ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला, ये क्या होगा आपका, ये वाला क्षेत्रफल, तो इसको बोलते हैं अपन, दिस इज कॉल्ड त्रिज्यखंड, क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्यखंड, ठीक है, यानी कि
सेक्टर। देखो त्रिज्या से बनाया तो त्रिज्यखंड सेक्टर। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे लिख देते हैं का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर बराबर फॉर्मूला होता है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो इधर ए वाला एरिया दिख रहा है तुमको, ए वाला, ये जो है ये चाप की लंबाई, मतलब इसको बोलते हैं अपन चाप की लंबाई। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है, तो ये हो गया आपका चाप की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ आर्क। तो इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, अब देखो अब आगे की बात बताता हूँ मैं। ओके देखो भाई, अभी मैंने फॉर्मूला बताया तुमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि ए वाला एरिया है, जैसे मान लो एक सवाली करेक्ट करके बता देता हूँ मैं कि कैसे अपन निकालेंगे, पहले चलो एरिया बता देता हूँ, सवाल फिर बाद में करेंगे। जैसे मान लो ये 60 डिग्री का कोण है, ठीक है, बता रही समय में 60 डिग्री का कोण है ये, और मुझे ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये थीटा का काम करेगा, यहाँ पर मैं थीटा रखूँगा। ठीक है, थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो, 60 से 360 कट जाएगा, 1/6, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1/6 पाई आर स्क्वायर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये 60 डिग्री से जितना एरिया कटेगा या निकलेगा, ये वाला एरिया जो होगा वो क्या होगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्किल का 1/6 होगा, यानी कि 1/6 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूँ, ये आपका 60 डिग्री नहीं है, मान लो ये कितना है आपका, 90 डिग्री है। कितना, ऐसे मान लो ये 90 डिग्री का एरिया है, इस तरह से बना हुआ है आपका, ये कोण आपका कितना है, 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पर 90 रखूंगा, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना। देखो ऐसे देख लो, चाहे कि ये ऐसे मान लो एक सर्किल है, ठीक है, मैंने इसको आधे से काट दिया, तो आपको पता ही है ये कितना हो गया, ये आधा सर्किल ये हो गया और आधा सर्किल ये हो गया। मैंने बता दिया अर्धवृत्त सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई टू। क्योंकि देखो कैसे होता है, मैं बताता हूँ आपको, ये है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा होती है, सीधी रेखा होती है, उस पर कोण बनता है हमारा 180 डिग्री का। कितने का बनता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो 180 अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो 180 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1/2, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर उसका हो गया। इसी तरह से अगर मैं 90 डिग्री रखता हूँ यहाँ पे, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 90 से 360 कितने बार कटेगा, 4 बार, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं 90 डिग्री, देखो 60 डिग्री का कोण लूंगा तो ये वाला एरिया होगा, अगर 90 डिग्री का लूंगा तो ये वाला होगा, अगर मैं 45 डिग्री का कोण लेता हूँ, 45 डिग्री का, ठीक है, 45 डिग्री का, तो क्या होगा, 45/360, इसको काट के बॉल निकल के आ जाएगा हमारा, जितना भी एंगल रखेंगे तो बस यहाँ पे एंगल रखेंगे तो हमारा ये एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके। देखो भाई, अब एक सवाल मैं करके बताता हूँ, इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तुम्हें, कि जैसे मान लो हम बचपन में पढ़ते थे वृत्त का क्षेत्रफल। देखो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, मान लो एक वृत्त दिया है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको, मान लो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो देखो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, वृत्त का क्षेत्रफल बचपन से ऐसे निकालते आ रहे हैं, अब थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पाई का मान रखते हैं हम 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 से 7 कट जाता है एक, या फिर ऐसे लिख लो, ठीक है, 7 का स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है,
अब इसे ऐसे ही निकालते हैं अपन। अगर मैं परिधि की बात करूं, त्रिज्या ए दे रखी है, ठीक है। अगर मैं इसको मिटा दूं, देखो अगर मैं वृत्त की त्रिज्या की बात करता हूँ, इसी परिधि, सॉरी परिधि, वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला मैंने बताया था 2πr होता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 2 × π का मान कितना होता है पता ही है आपको, 22/7 मैंने अभी बताया, और r कितनी है, 7। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 22 × 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपकी क्या आ जाएगी, वृत्त की परिधि आ जाएगी, ठीक है। ऐसे निकालते आए अभी तक हम, लेकिन अब थोड़ा सा ना चेंज करेंगे अच्छे से, कैसे मतलब जल्दी अगर हमको सवाल करना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं मैं बता देता हूँ। देखो थोड़ा ध्यान से सुनना, अच्छी बात बता रहा हूँ। देखो जैसे मान लो आपकी, आपको दे रखा है वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिज्या यानी कि रेडियस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं परिधि यानी कि पेरीमीटर, सॉरी पेरीमीटर बोल दो चाहे सर्कमफेरेंस, बात एक ही होती है वैसे तो, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनना कि अगर मैं रेडियस लेता हूँ, त्रिज्या लेता हूँ 7 सेंटीमीटर, तो हमेशा देखो कुछ चीज़ें जल्दी सवाल करना है तो कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी। 7 सेंटीमीटर अगर आपकी त्रिज्या है, 7 यूनिट जो भी हो, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो, तो आपकी परिधि कितनी होगी, 44, कितनी होगी 44, और क्षेत्रफल कितना होगा, 114। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। ठीक है तो ये हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 44 आपकी, 44 हो जाएगी आपकी सर्कमफेरेंस, ठीक है, और क्षेत्रफल हो जाएगा 154। अगर मैं इसको डबल करता हूँ, गुणा दो, तो कितना होगी त्रिज्या, 14, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको भी डबल कर देते हैं, तो कितनी हो जाएगी बताओ, परिधि तो डबल हो जाएगी, लेकिन जो ये होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 154 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट में हो जाएगा बस। जैसे मान लो आप, आपसे पूछा जाए कि त्रिज्या भाई 14 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताओ, तो आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर 22/7 रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना अपने को, डायरेक्ट हमको पता है कि अगर 7 त्रिज्या है तो 154 आता है, तो ये क्या आएगा, अगर इसका डबल है तो दुगने का स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, यानी कि ये आएगा आपका 616, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं करता हूँ इसका 7 × 3 करता हूँ, कितना 3 × 3, तो 7 × 3 कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई आपकी त्रिज्या, ठीक है। अगर मेरे पास त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर, मुझे इसे बुलाया परिधि निकालना है, तो कुछ नहीं करना, मैं 2πr नहीं लगाना, 44 × 3 कर देंगे, 44 × 3 कितना होगा, 132, डायरेक्ट परिधि निकल गया अभी। और अगर मेरे को क्षेत्रफल निकालना है कि भाई 21 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, 154 × 3 का स्क्वायर कर देंगे, बस डायरेक्ट निकल के आ जाएगा क्षेत्रफल। अगर मान लो 7 नहीं दे रखी है आपके पास, दे रखी है जे 3.5 दे रखी है, मतलब गुणा 1/2 दे रखी है, 1/2 आधी दे रखी है, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधी, तो 1/2 दे रखी है, तो 7 का आधा कितना होता है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है आपकी त्रिज्या, तो परिधि भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, बोलो बात समझ में आ गई। और ये कितना हो जाएगा, 154 × 1/2 का स्क्वायर, अगर आपने 1/2 करी है तो 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 154 × 1/4 हो जाएगा, और इससे काटेंगे तो 38.5 आ जाएगा। तो ये निकालने का तरीका होता है, ठीक है, ओके। चलो देखो भाई, अब ये तो क्योंकि ना इस प्रश्नावली में, इस एक्सरसाइज में हमको जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी किसकी, त्रिभुज वगैरह की, तो त्रिभुज का थोड़ा सा पता होना चाहिए, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, ठीक है, कितने एंगल पे है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। जैसे मान लो त्रिभुज कितने होते हैं आपके, 3 तरह के मैं बता देता हूँ, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर भी 3 तरह के होते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, आधार पर त्रिभुज, त्रिभुज को बोलते हैं अंग्रेजी में अपन क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। तो त्रिभुज मैं बता देता हूँ, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, पहले समबाहु त्रिभुज, और दूसरा होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज, और तीसरा होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये होता है समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा आपका समद्विबाहु होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल, और ये होता है आपका, इसको बोलते हैं अपन स्केलिन, SCALEN, स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है।
ये हो गए आपके भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। अब मैं बात करूंगा, मैं समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला वगैरह थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है, तो याद कर लेना ठीक है। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, बराबर हो, यानी कि ए ए ए, मैंने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, एक त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड क्या है आपकी, बराबर है ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसका परिमाप। भाई परिमाप, परिमाप पता होना चाहिए, परिमाप क्या होता है, ए क्या हो जाएगा, 3 × a, 3 × भुजा ठीक है। परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। अगर मैं बात करूँ पेरीमीटर ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल क्षेत्रफल ठीक है, बराबर वो क्या होता है, √3/4 × भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर साइड अपन ने भुजा कितनी मानी है, ये मानी है, तो भुजा का स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, या फिर एक देखो सभी त्रिभुजों के लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड पता है ठीक है, और बीच का एंगल पता है, मान लो ये एंगल कोई भी कुछ भी दे रखा है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, जो मर्जी दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि जैसे मान लो ये आपका एक त्रिभुज है ठीक है, ये आपकी दे रखी है ए और ये दे रखी है बी साइड ठीक है, या और यहाँ पे दे रखा है आपका मान लो 60 डिग्री का कोण ठीक है। तो हम क्या, इसका क्षेत्रफल अगर हमसे निकालना है तो डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 a × b × sin θ। थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, 60, तो इस फॉर्मूला में हम डायरेक्ट मान रखेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा साइन थीटा, साइन 60 का मतलब होता है आपका √3/2 ठीक है। तो ये तो त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा ही है, और नहीं पढ़ा होगा तो बताऊंगा मैं, लेकिन इससे ना डायरेक्ट निकल के आ जाता है। अब देखो आता कैसे है ये मैं बता देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला तो याद कर लेना, इसी से बहुत आसानी से सवाल हो जाते हैं। बाकी इस फॉर्मूला का अलग अलग त्रिभुजों के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, उन पर दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, उनको भी बता देंगे। अब देखो भाई, अब ये फॉर्मूला आया कैसे मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2 base × height। क्या होता है, 1/2 base × height, यानी कि 1/2 × आधार गुणा ऊंचाई। बोलो हाँ, होता है कि नहीं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो यहाँ पे आपको ए आधार तो दे रखा है ए, लेकिन ऊंचाई नहीं पता, तो ऊंचाई क्या करेंगे हम, यहाँ से मान लो यहाँ पर डाला ए, समद्विबाहु त्रिभुज है तो सेंटर में आके गिरेगा 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर डाला हमने, लंब डाला यहाँ से ठीक है, यहाँ पर लंब डाला, तो आपको पता है बिल्कुल सेंटर में आके गिरेगा बीच में, तो ये मिड पॉइंट होगा आपका। तो पूरी साइड ए है तो ए वाली कितनी हो जाएगी, a/2, और ए भी कितनी हो जाएगी आपकी, a/2 हो जाएगी। बोलो अब इसमें हम लगा देते हैं पाइथागोरस, क्या पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ठीक है। तो मेरे को पता नहीं है, ये एस निकालना है मेरे को, तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो a/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a² - a² / 4। और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4a² ये h² बराबर हो जाएगा आपका 3a² / 4। यानी कि अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट लूंगा, ये h² बराबर है, तो यहाँ से अगर मैं h का मान निकालूंगा तो h बराबर इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो √3 और a का स्क्वायर का क्या हो जाएगा ये, और बटे में 4 का क्या हो जाएगा 2। तो इसकी ऊंचाई निकल के आ गई हाइट, और आपको पता है आधार तो कितना है आपका, 2 है ही ठीक है, वो सॉरी आधार क्या है, ये है आपका। तो यहाँ पर देखो मैं फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ, मैंने बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार, आधार बोलो पूरा पूरा है ये था ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये, तो ए इंटू हाइट कितनी आ गई आपकी, √3a/2। तो देखो यहाँ पर 2 × 4 और √3/4 ए का ये में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ये स्क्वायर। देखो आगे यही फॉर्मूला मैंने कहाँ लिखवाया है, मिटा दिया शायद मैंने, √3/4 a² ही फॉर्मूला होता है, ये मैंने बताया था आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक है। इसका थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी, और एक और बता देता हूँ इसी के साथ ही ठीक है। चलो ओके, यहाँ तक क्लियर है। देखो भाई समद्विबाहु त्रिभुज और क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में और बता देता हूँ मैं, इसका क्षेत्रफल भी समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल का मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, जिसकी ना दो साइड बराबर होती है, कोई सी दो साइड और एक साइड अलग हो, वो आपका होता है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे मान लो इसकी ए ए
एबीसी जो ट्राइंगल है और आइसोसील्स है यानी कि समद्विबाहु है, तो इसका ये ए और ए वाली साइड मैंने मान ली बी, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका बी बाई फोर अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर, सॉरी बी बाई फोर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका बी बाई फोर अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका होता है इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और अगर मैं बात करूं, ओके यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसको निकालते कैसे है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, तो जैसे उसमें निकाल रहे थे वैसे ही निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी बी है, तो देखो आइसोसेल्स है ये दोनों बराबर है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है ट्राइंगल की ये बिल्कुल सेंटर में आके गिरेगा, तो यानी कि ये भी आपकी बी बाई टू हो जाएगी और ये भी बी बाई टू हो जाएगी, बोलो हाँ। अब इसको मैंने दे दिया एच, तो यहाँ से एच मैंने जैसे समद्विबाहु द्रव्य में निकाला था वैसे ये हाइट निकाल लेते हैं। एच बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ये कर्ण का स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर पाइथागोरस से निकाल लेंगे, 90 डिग्री का कोण मान लिया मैंने परपेंडिकुलर है, तो ए स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस बी बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर, बोलो एच स्क्वायर। तो यहाँ से मैं निकालूंगा एच स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर। तो यहीं से मैं एच की इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे, इधर लग जाएगा स्क्वायर हटा के इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये फोर है ना इसका क्या हो जाएगा वन बाई टू, तो वन बाई टू ये निकल के आ गई इसकी हाइट। अब वेस कितना है आपका बी है, टोटल बी है ना, तो यहाँ पर देखो रख देते हैं। तो मैंने बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वन बाई टू बेस इंटू हाइट, क्या होता है वन बाई टू बेस इंटू हाइट, तो वन बाई टू बेस कितना है बताओ, ए वाला पूरा बी है और हाइट ए वाली रही आपकी वन बाई टू अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका बी और टू और टू फोर अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो आगे ओके।